नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने घर से शुरू करके आसानी से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। छोटा सा जो बिजनेस है, जितना इन्वेस्टमेंट है वैसे ही आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये बिज़नेस क्या है, कैसे शुरू करना है और क्या इसका का इन्वेस्टमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपना खुद का नोटबुक्स का ब्रांड बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे नोटबुक्स बनाकर उसे सेल करने को। दोस्तों, यह एक बड़ा बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अधिकतर अच्छा मुनाफा देता है। नोटबुक्स की सबसे ज्यादा खरीद स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा होती है। इससे अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के सभी ऑफिस में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा सभी दुकानों पर और सभी बिजनेस में अपना हिसाब और बाकी जानकारी रखने के लिए भी नोटबुक का यूज होता है। नोटबुक की मार्केट बहुत बड़ी है और अगर ऐसे में आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बिजनेस की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे आपको नोटबुक बनाना शुरू करना है, क्या मशीन चाहिए होगी, कैसी और कितनी जगह चाहिए होगी, कितना खर्चा आएगा इस काम में और कितना मुनाफा आप इस काम में ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिजनेस में। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको सबसे पहले एक जगह का प्रबंध करना होता है जहां से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीन खरीदनी होती है और कच्चा माल खरीदना होता है। इसके बाद आप 2 या 3 कारीगर लगाकर काम को शुरू कर सकते हैं। माल तैयार करने के बाद आप उसे होलसेल और रिटेल मार्केट में बेचते हो और मुनाफा कमाते हो। अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितनी जगह चाहिए होगी। दोस्तों, आपको इस काम के लिए कम से कम 40 गज जगह की जरूरत होगी जहां से आप माल को तैयार कर सकते हो, और जगह किसी भी स्थान पर हो सकती है। इस काम में अच्छी लोकेशन की आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप माल सिर्फ तैयार कर रहे हो, उसे आपको बेचना नहीं है उस स्थान से, तो स्थान कोई भी हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितने रुपए में आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग मशीन के बारे में, जिसमें हमारे पास आती है मॉडल नंबर 5 में सबसे पहले नोटबुक स्टिचिंग एंड फोल्डिंग मशीन, दूसरी मशीन आती है हमारे पास नोटबुक एज स्क्वेयरिंग मशीन, और तीसरी मशीन आती है हमारे पास प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन हैवी ड्यूटी। तो इसका आपको मैं वर्किंग समझा देता हूँ कैसे वर्किंग होता है। सबसे पहले जो नोटबुक स्टिचिंग फोल्डिंग मशीन होती है, उसमें जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, आपने पेपर और टाइटल को इकट्ठा करके मशीन के ऊपर रख देना है। इसने ऑटोमेटिकली आगे ले जाकर सिंगल सिंगल कॉपी को जितना आपने पिन इसमें फीड किया होगा, अगर 3 पिन लगानी है तो ये ऑटोमेटिकली मैयर करके 3 पिन लगाएगी, अगर आपने 4 पिन लगानी है तो ये ऑटोमेटिकली मैयर करके 4 पिन लगाएगी, और अगर आपने 6 लगाई हैं तो ये ऑटोमेटिकली 6 पिन लगाएगी। आपने सिर्फ एक बार प्रोग्राम में फीड करना है और इसने ऑटोमेटिकली पिन लगाते जाना है। आपको बार बार कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसका काम ये है, कॉपी को सेंटर में से पिन लगाकर उसको सेंटर से ही फोल्ड करके बाहर निकाल देना। फोल्ड हुई कॉपी का अगला काम होता है उसको स्क्वेयर करना। स्क्वेयरिंग करने के लिए हमारे पास आती है नोटबुक एज स्क्वेयरिंग मशीन, वो भी आप देख सकते हो वीडियो में कैसे आपका नोटबुक स्क्वेयर कर रही है। सबसे पहले हमने इसमें नोटबुक को रख देना है, जितना भी हमारा बीच में आता है, 4 कॉपी आया तो 4 रख देना है, 5 आएगा तो 5 रख देना है, तो उसने हमने कॉपीज़ रख देना है और इसने ऑटोमेटिकली उसको मतलब स्क्वेयर करके नीचे से पूरा उसका स्क्वेयरिंग बना देना है नोटबुक का। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद फिर हमारा एंड में काम रह जाता है पेपर कटिंग का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन।
जैसे कि आपने दोस्तों देखा कि नोटबुक एज स्क्वेयरिंग मशीन में हमने नोटबुक को स्क्वेयर कर लिया है, तो अभी हमारा इसमें इस मॉडल में मशीन आता है प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे आप इसमें नोटबुक रखनी है, 10-12 कॉपी जितनी भी आपकी इकट्ठी आती है आपने उसमें जो भी साइज़ का कटिंग करना है ऊपर प्रोग्राम में उसी साइज़ का फीड कर देना है, कितने बाय कितने का कटिंग चाहिए, तो इसने ऑटोमेटिकली साइज़ मैयर करके कटिंग करते जाना है। आपका सिर्फ काम है कि कॉपी को घुमाना और अंदर डालना। तो जैसे आप देख सकते हो वीडियो में कैसे ये कॉपी घुमा रहा है और साइज़ जो पीछे का है वो खुद मशीन सेट कर रही है। इसमें आप जितने भी प्रोग्राम फीड करने चाहो उतने कर सकते हो। हर बार आपने जो भी प्रोग्राम खोलोगे उसी के हिसाब से सेटिंग खुद ब खुद मशीन करेगा। बार बार आपको साइज़ मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं। हैवी ड्यूटी मशीन है, साथ में पूरे सेंसर्स लगे होते हैं और फुली हाइड्रोलिक मशीन होती है ये। आम मशीन से काफ़ी इसका एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है और इसमें लेबर भी काफ़ी कम लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सिर्फ एक आदमी ही इसके ऊपर काम करके अपना आसानी से नोटबुक बना सकता है। तो जैसे ये इसने अभी छोटे साइज़ की कॉपीज़ बनाई है, तो ऐसे आप इसमें बड़े साइज़ का भी नोटबुक रजिस्टर इसी हिसाब से बना सकते हो। ऊपर आपने प्रोग्राम में सारे साइज़ फीड करने हैं और इसमें और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं, बाकी सारा काम मशीन खुद ब खुद करेगी। तो चलिए दोस्तों ये था मशीनों का काम। इसके बाद अगर हमने नोटबुक को पैक करना हो तो हम श्रिंक रैपिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमने अपनी तैयार की नोटबुक को रखना है ऊपर लैमिनेशन चढ़ाकर और इसने ऑटोमेटिकली नोटबुक को श्रिंक रैपिंग कर देना है, जिस वजह से आपका नोटबुक के ऊपर कभी भी मॉइस्चर नहीं आता। तो दोस्तों ये थी मशीनें नोटबुक को तैयार करने के लिए, उसको पैकिंग करके स्टॉक में रखने के लिए। तो ऐसे कि हमारे पास काफ़ी मॉडल्स आते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से कम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मशीनें लगा सकते हैं। नोटबुक की एक्यूरेसी सभी में अच्छी रहती है, जैसे आप मशीन ऑटोमेटिक लेते जाओगे एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ता जाता है क्योंकि मैन पावर आपका काफ़ी कम हो जाता है और सारा मशीन का काम रह जाता है। तो ये तो थी हमारा जो मॉडल 5, जिसमें हमने आपको दिखाई 4 मशीनें, एक नोटबुक स्टिचिंग फोल्डिंग मशीन, एक नोटबुक एज स्क्वेयरिंग मशीन फुली हाइड्रोलिक और एक आपको दिखाई प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन। तो इसके बाद अगर आप अगला मॉडल देखना चाहते हो तो हमारा अगली वीडियो आप देख सकते हो, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पे नए नए मॉडल्स के साथ नई नई मशीनें आपको दिखती रहेंगी और भी बिजनेस आइडियाज़ देखने के लिए, जिससे आपको और बिजनेस करने के लिए भी पता लगेगा। तो इसके लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपके पास मिलते रहें। तो इसके प्रॉफिट की बात करें तो जैसे आप नोटबुक देख रहे हो, छोटा नोटबुक या बड़ा नोटबुक जितना भी पीछे MRP लगा होता है उसका 50% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको बनाने का आता है। तो जितने का आपका कॉस्टिंग मार्केट में बिकता है उसका 50% में आपका घर में तैयार होगा। तो चलो इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर अगली वीडियो। धन्यवाद।